नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पसीने की बदबू से कैसे परमानेंट छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, परमानेंट छुटकारा पसीने के बदबू से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि उनके पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, किसी के पैर के पसीने से बदबू आती है, बहुत लोगों के हाथ से भी पसीना आता है और बहुत लोगों के अंडर आर्म से पसीना आता है। और ये पसीना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि गर्मी का सीज़न आ चुका है। दोस्तों, गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीने को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पसीने से जो होने वाली बदबू है उसके लिए हम परमानेंट क्योर लेके आए हैं, परमानेंट उससे छुटकारा पाने का एक उपचार लेके आए हैं, घरेलू नुस्खा लेके आए हैं। इस नुस्खे को आप गौर से देखें। इसके लिए जो हमें दोस्तों सामग्री चाहिए होगी वो है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। आप सभी जानते हैं खाने वाला सोडा परचून के दुकान से मिल जाता है, आप कहीं भी बोलेंगे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। एक चम्मच बेकिंग सोडा को एक बाउल में आप रख लें और एक नींबू को कट करके इसमें से थोड़ा सा रस निचोड़ के और इसमें मिला दें, बेकिंग सोडा में मिला दें। इसका बीज हटा दें, बीज को यूज नहीं करना है हमें, सिर्फ इसके रस को थोड़ा सा यूज करना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बेकिंग सोडा में जब हम नींबू मिलाते हैं तो ये उबलने लगता है। आप देख पा रहे हैं ये उबल रहा है और ये उबल कर इसमें अपने आप लगभग मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसे बढ़िया से मिला दें। थोड़ा इसे लिक्विड टाइप का बना लें, हार्ड नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा नींबू मैं और डाल देता हूँ। ये देखिए किस तरीके से ये उबल रहा है। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। दोस्तों, हमें क्या करना है, जहाँ भी कहीं से आपको अधिक बदबू आता हो, जैसे अंडर आर्म्स में ज़्यादा बदबू आता है, अंडर आर्म्स में आप इसे क्या करें, थोड़ा सा कॉटन के माध्यम से, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ अपने हाथ पे, ऐसे करके थोड़ा कॉटन के माध्यम से ले लें और अपने अंडर आर्म्स में यूं करके हल्के हाथ से लगा के मिला दें। इसे मसाज नहीं करना है, घिसना नहीं है, लगा के यूं ही छोड़ देना है। इसे आप लगभग 20 से 25 मिनट तक छोड़ दें और उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें। जब आप इसे नॉर्मल पानी से धो लेंगे और उस दिन जब आप मार्केट में निकलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके अंडर आर्म्स से जो पसीने की बदबू आती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जैसे डिओड्रिन का खुशबू हल्का सा आता है, लेमन फ्लेवर का आपके शरीर से एक खुशबू होगी, आपको डिओड्रिन करने की ज़रूरत नहीं होगी, डिओड्रिन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, मैं उनके लिए भी एक ऑप्शन लेके आया हूँ, जो लोग गांव में रहते हैं, बेकिंग सोडा उनको अवेलेबल ना होता हो, या हमारे शहर में भी बहुत सारे वर्कर हैं जिनको बेकिंग सोडा के बारे में ना पता हो, दुकान में ना मिलता हो, उनके लिए एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, आप टमाटर ले लीजिए, इस टमाटर को आप ले लीजिए और इसे कट कर लीजिए, इसे कट करके और इसका रस निचोड़ के एक बाउल में रख लीजिए। आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं या कद्दूकस में कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये देखिए रस बन गया है हमारा। दोस्तों, टमाटर में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर से बदबू को मिटाने का काम करता है और विषैले पदार्थ को बनने नहीं देता। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने बेकिंग सोडा लगाने के लिए बोला था आपको, उसी प्रकार आप टमाटर के इस रस को भी लगा सकते हैं।
अपने अंडर आर्म्स में या उन जगहों पे जहाँ जहाँ से आपको ज़्यादा बदबू आती हो। कुछ लोगों को दोस्तों पैरों से बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और जब वे जुराब उतारता है या जूता खोलता है तो आसपास पूरा बदबू फैल जाता है। किसी किसी ऑफिस में आप देखते होंगे उनके ऑफिस से अजीब सी बदबू आती है, तो आप समझें कि उस ऑफिस में किसी न किसी के जूते से या उनके पैर के जुराब से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। आप क्या करें, ऐसे लोग क्या करें जिनके पैर से बदबू आती है, वे लोग अपने पूरे पैर में जुराब जहाँ तक वो पहनते हैं पूरे पैर में इस लेप को या बेकिंग सोडा नींबू के लेप को, दोनों में कोई भी एक ही इस्तेमाल करना है, पूरे पैर में लगा लें और पैर में लगा के फिर जुराब पहन लें और जूता पहन के आप दिन भर कहीं भी मार्केट में घूमें, कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, आप पाएंगे कि आपका जो बदबू था, पैर का जो बदबू आता था वो बिल्कुल परमानेंट ख़त्म हो जाता है, परमानेंट उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों पसीने की जो बदबू है वो आप सभी को पता होगा कि कितना भयानक होता है, कितना गंध होता है उससे और उससे लोग कितना परेशान होते हैं। खासकर आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी जो महिला मित्र हैं वे आपसे दूर हो जाते हैं और जो नई महिला मित्र या गर्लफ्रेंड बनने वाली होती है वे आपके पास आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर से एक अजीब किस्म की बदबू आती है। तो अगर आप चाहते हैं आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले और आप समाज में अच्छे तरह बैठ पाएँ, चार लोगों के बीच अच्छे से बैठ पाएँ, तो आप इस नुस्खे को यूज़ कीजिए, यूज़ करके देखिए और आपको अगर बेकिंग सोडा और नींबू वाला नुस्खा आप नहीं बना पाएँ, बेकिंग सोडा ना मिले आपको, तो आपके घरों में आपके आसपास सब्ज़ी के दुकान पे टमाटर आसानी से मिल जाता है, आप वहाँ से टमाटर खरीद के लाएँ। ध्यान रखिए टमाटर जो हो वो ज़्यादा पका हुआ हो ताकि आपको रस निकालने में ज़्यादा परेशानी ना करना पड़े, गूदा निकालने में ज़्यादा परेशानी ना करना पड़े, और इस रस को निकाल लें, निकाल के एक बाउल में रख लें जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, उसे निकाल के सावधानी से अपने अंडर आर्म्स में अगर बदबू आती है तो अंडर आर्म्स लगाएं, और अगर आपके पैरों से बदबू आती है या हाथों से बदबू आती है, जहां कहीं से भी बदबू आती है, आप इस मिश्रण को लगाएं, टमाटर वाले मिश्रण को लगाएं या नींबू या बेकिंग सोडा वाले मिश्रण को लगाएं, दोनों में से किसी एक मिश्रण को आप अच्छे तरीके से अप्लाई करें। जैसे कि मैंने आपको बताया इसे मसाज नहीं करना है, ज़्यादा देर तक रगड़ना नहीं है, सिर्फ लगा के और छोड़ देना है, जैसे मलहम लगाते हैं मलहम के तरीके से इसे लगा के और छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप पैर में लगाते हैं तो जुराब पहन लीजिए, अगर अंडर आर्म्स में लगाते हैं तो आधे घंटे के बाद उसे आप धो दीजिए। अगर आप पैर में लगाते हैं तो पैर को धोना नहीं है, जब आप शाम में वापस घर आ जाते हैं तब जाके जब आप जूता खोलते हैं, जुराब खोलते हैं, उसके बाद आप अपने पैर को धो लें, बीच में नहीं धोना है। इससे आपको पैर के बदबू से छुटकारा मिलेगा, अंडर आर्म्स के बदबू से छुटकारा मिलेगा, या आपके बॉडी में जहाँ कहीं से भी बदबू आती होगी पसीने के कारण, वे सारी जो समस्या है पसीने के कारण जो बदबू आने की समस्या है उससे आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारे बातों पर ना जाएं, आप इस वीडियो को देखें और इसका इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको फ़ायदा लगे, अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख पाएँ, इसका फ़ायदा उठा पाएँ और आप अपने चाहने वाले को भी इसका रिज़ल्ट बता पाएँ कि इसका क्या बेनिफिट है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब के बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है, एक घंटी बना हुआ है, उस घंटी को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपके पास नए नए टिप्स, नए नए वीडियो हर रोज़ नोटिफिकेशन में आता रहे और आप उसे रोज़ देख पाएँ, नए नए वीडियो को, नए नए टिप्स को। और दोस्तों जिन किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि उनके पास भी हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले, उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर बने रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।